प्याज की कीमत बढ़ने के कारण ये गरीब लोगों की पहुंच से दूर जा रहा है। इसी कारण जो व्यक्ति पहले 5 किलो तक प्याज लेते थे वे आजकल 1 किलो लेने के लिए मजबूर हैं। देश व पंजाब में सभी ओर प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। पंजाब की पट्टी मंडी का दौरा करने पर ग्राहकों ने कहा कि आज प्याज उनकी पहुंच से दूर हो। जो प्याज कुछ समय पहले 15 से 20 रुपए किलो मिल रहा था वही आज 80 रुपए तक पहुँच चुका है। लोगों ने सरकार से अपील की कि इसकी कीमतों की ओर ध्यान दिया जाए। महंगे हो गए भाई, महंगे होना बैठ दो जो हिलजुल होगी, जैसे 10 किलो लेने तो किलो लेने पेंदे। सरकार तो बंद करेगी तो जिन्ना अफगानिस्तान तो मंगाई है उधर मंगाई है तो इधर लिया के दवे इतने पट्टी इतने 50 रुपए 60 रुपए तक अखबार चाहिए 100 रुपए किलो लेना कहना एक लोग भी कोई करते भी जिन्ना कोई ज्यादा उन्होंने स्टॉक अखबार जिदा ब्लैक मनी वाले किया स्टॉक किया उन्होंने ज्यादा हाँ कुछ छापे छुपे मारे इन्होंने जिदा अगे कंट्रोल नहीं मनमोहन सिंह ने किया उदा फिर करे भी। वहीं व्यापारियों की माने तो अभी प्याज की कीमतें कम नहीं होंगी क्योंकि इस समय राजस्थान से प्याज नहीं आ रहा। वहीं नासिक में प्याज की फसल खराब हो गई। उनके अनुसार अगर सरकार प्याज को दूसरे देशों से मंगवाती भी है तो इसकी कीमतों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी एक तो फसल आ रही है नासिक की कल तो नासिक की डिमांड है सारे पासे। दूजी जी फसल है वह बंद हो गई है लड़ी राजस्थान की पहला आँदी ही वो बंद हो गई है तो एक मगर बारिशा हो गई हैं बहुत ज़्यादा वो करके फसल जी है अद्धी नुकसान हो गया है फसल में पर केंद्र जी गाहकी का जी बहुत फर्क पै गया है। जोड़ा गाहक 5 किलो लेंदा सी वो 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 किलो अद्धा किलो लै रहा है। देखो जी पहला आम रेट चलता सी 15-20 रुपए किलो वो 25 रुपए किलो हूँ जोड़ा रेट है इस टाइम 50 तो 60 रुपए किलो है। सो जे सरकार ने ना कदम कुछ चुकया तो यह प्याज जोड़ा वा होर भी 20-30 रुपए किलो बच सकता वा मतलब 70-75-80 रुपए किलो तक जा सकता। पट्टी से आजाद टीवी न्यूज़ के लिए गुरप्रीत सिंह गोपी की रिपोर्ट।